हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एनएफ नेशनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बॉलीवुड की वो 10 फिल्में जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली हैं। वैसे तो आजकल बॉलीवुड की सभी फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, जिसकी वजह से सभी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप होती जा रही हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, रणवीर कपूर की शमशेरा, तापसी पन्नू की दोबारा और जॉन इब्राहिम की एक विलन रिटर्न। ये सब फिल्में फ्लॉप रही और यहाँ तक कि ये फिल्में अपना बजट भी पूरा करने में नाकामयाब रही। और सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा अक्षय कुमार को, क्योंकि अक्षय कुमार की इस साल 3 फिल्में रिलीज हुई थी और तीनों की तीनों फिल्में फ्लॉप रही और बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुआ गिरी। अब जो बड़ी 10 फिल्में रिलीज होने वाली है, इनसे लोगों को बहुत उम्मीद है। लोगों को लगता है कि ये फिल्में बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को पार लगा देंगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आती है अजय देवगन की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड, जिसको डायरेक्ट किया इंद्र कुमार ने, जिन्होंने आज से पहले धमाल, मस्ती, ग्रैंड मस्ती, डबल धमाल और टोटल धमाल जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों को बना चुके हैं। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ नजर आएंगे रुकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा। जैसे कि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत जबरदस्त है, वैसे इस फिल्म की कहानी को भी बहुत जबरदस्त बताया जा रहा है। इस फिल्म में अजय देवगन यमराज की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रुकुल प्रीत एक कपल की भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म इसी साल 24 अक्टूबर को सिनेमाघर में दस्तक देगी। नंबर 9 पर आती है अक्षय कुमार की राम सेतु। वैसे तो इस साल अक्षय कुमार की 3 मूवीज सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी हैं और तीनों की तीनों फ्लॉप रही हैं। अब उनकी ये चौथी मूवी है जो सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से अक्षय कुमार को बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि पिछली फिल्मों से भी अक्षय कुमार को बहुत उम्मीदें, लेकिन वो फिल्में लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। अक्षय कुमार की राम सेतु फिल्म को उन्हीं की बहन ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की सीधी टक्कर होगी अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड के साथ, यानी कि ये फिल्म भी 24 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है दिवाली के मौके पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनमें से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, इनमें से कौन सी फिल्म बम की तरह फूटेगी और कौन सी फिल्म फुस हो जाएगी, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 8 पर आती है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत पार्ट 1, जो कि एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले सुपर 30 और क्वीन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बना चुके डायरेक्टर विकास बहल। और दूसरी खास बात यह कि टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन बहुत समय के बाद एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। इससे पहले टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन अपनी पहली डेब्यू फिल्म हीरोपंती में एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म को पूजा बैनर्स के तले बनाया जा रहा है। ये फिल्म भी इसी साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली है। नंबर 7 पर आती है ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम बेदा। इस फिल्म का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था और कल इस फिल्म के टीजर को भी रिलीज कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद लोगों के अंदर इस फिल्म को देखने का और भी ज्यादा क्रेज हो गया है और लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म साउथ की फिल्म विक्रम बेदा का रिमेक है और इसको डायरेक्ट भी सेम डायरेक्टर ने किया है। ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज होगी। हालांकि ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा को देखने के लिए लोगों से कहा था, जिसकी वजह से लोग अब उनकी फिल्म विक्रम बेदा का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अब 30 तारीख को पता चलेगा कि जीत बॉयकॉट गैंग की होगी या फिर बॉलीवुड की। नंबर 6 पर आती है सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2, जो अपनी पहली फिल्म गदर का दूसरा भाग है। गदर का पहला पार्ट 2001 में रिलीज हुआ था, जिसने पूरे भारत के साथ पाकिस्तान में भी तहलका मचा दिया था। इस फिल्म ने उस वक्त कमाई के मामले में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इतने साल के बाद ये फिल्म एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। पिछली बार सनी देओल अपनी पत्नी सकीना को वापस पाकिस्तान लेने गए थे, तो इस बार वो अपने बेटे को पाकिस्तान से वापस लेने जाएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं गदर पार्ट 1 के डायरेक्टर अनिल शर्मा। ये फिल्म अपना पहले वाला जादू चला पाएगी या नहीं, ये रिलीज होने के बाद पता चलेगा। ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। नंबर 5 पर आते हैं साउथ के सुपरस्टार बाहुबली यानी कि प्रभास की फिल्म आदि पुरुष, जिसमें वो राम की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और रावण के किरदार में नजर आएंगे सैफ अली खान। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं ओम राउत, जिन्होंने तानाजी जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई है। इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इस फिल्म को टी सीरीज के बैनर के तले बनाया जा रहा है। ये फिल्म 13 जनवरी 2023 को सिनेमाघर में रिलीज होगी। ये एक पैन इंडिया फिल्म है। नंबर 4 पर आती है रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की मच अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, जिसका इंतजार लोगों को लंबे समय से है और इस फिल्म के साथ बॉलीवुड ने हॉलीवुड को टक्कर देने की पूरी कोशिश की है। ये फिल्म 3 भागों में रिलीज की जाएगी और इसका पहला भाग इसी साल 9 सितंबर को रिलीज होगा। इस फिल्म के सॉन्ग तो पहले सुपर डुपर हिट हो चुके हैं, अब बारी फिल्म की है कि वो लोगों को पसंद आती है या नहीं। इस फिल्म में नागार्जुन भी बहुत अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके साथ ही बॉलीवुड के शाहरुख खान भी इस फिल्म में नजर आएंगे एक छोटा सा रोल करते हुए।
नंबर थ्री पर आते हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसको डायरेक्ट किया साउथ के सुपर डुपर हिट डायरेक्टर अटली कुमार ने, जिन्होंने मार्शल जैसी क्लास मूवी को बनाया है। इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगे विजय सेतुपुत। ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में हमको शाहरुख खान डबल रोल करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के टीजर ने रिलीज होते ही लोगों के होश उड़ा दिए थे। अभी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और ये फिल्म अगले साल 2 जून को रिलीज होगी। नंबर टू पर आते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की टाइगर 3। इससे पहले इस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं जो सुपर डुपर हिट रहे हैं। अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट आ रहा है और इस बार फिर कटरीना कैफ सलमान के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे इमरान हाशमी। आपको बता दें कि इमरान हाशमी को सलमान की टक्कर का दिखाने के लिए उनकी एंट्री पर ही 10 करोड़ का खर्चा किया गया है। ये फिल्म अगले साल 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। और नंबर 1 की पोजीशन पर आते हैं बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान की फिल्म पठान। शाहरुख खान पूरे 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर एंट्री करने जा रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने इससे पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म में जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण भी दिखाई देंगी। इस फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। शाहरुख खान ने इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत की है और इस फिल्म में सलमान खान शाहरुख खान के साथ नजर आएंगे। तो ये थी हमारी टॉप 10 अपकमिंग मूवीज जो बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को बचा सकती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।